नमस्कार, आप देख रहे हैं प्यारा भारत। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने में बस कुछ ही समय बाकी है और इस बार यहां पर भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच में बहुत ही कांटे की लड़ाई है। तो आइए यहां की जनता से ही जानते हैं, टैक्सी ड्राइवर से जानते हैं कि इस बार पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार ये लोग चाहते हैं। सर, नाम बताइए अपना। सुखदीप जाना जी। सुखदीप जाना, ये बताइए सर, पश्चिम बंगाल में किसका सरकार आप लोग बनाना चाहते हैं? बीजेपी? टीएमसी का क्यों बनाना चाहते हैं? बहुत कुछ काम किया और भी काम करेगा रहेगा तो। लेकिन जैसे चुनाव शुरू हो रहा है, चुनाव आने वाला है, तो हम लोग देख रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम बहुत हो रहा है। दीदी के टीएमसी के जो लीडर हैं लगातार हिंदू विरोधी बयान दे रहे हैं कि सीता माता को जब रावण ने अपहरण कर लिया तो उन्होंने बोली कि अच्छा किया, राम भक्त बलात्कारी होते हैं। फिर एक मदन मित्रा बोलते हैं कि परशुराम गौ मांस खाते थे। तो आप लोग चूंकि हिंदू हैं तो आप लोग को ये बुरा नहीं लगता है? नहीं नहीं, जो जिसका जाते जो कोई कोई उसका काम करेगा। मेरा धर्म जो है उसका धर्म जो है, हम लोग सब भाई भाई है, हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई है। नहीं, हिंदू है आप? हाँ, हिंदू है। जब श्री राम के बारे में, माता सीता के बारे में, श्रीराम तो हम लोग का भी भगवान है ना, हम हिंदू हूँ, मेरा भी भगवान है, सबका भगवान, सब हिंदू का भगवान होता है श्रीराम। तो श्रीराम बोलने का हम भी, मेरा भी अधिकार है तो हम भी बोलेंगे श्रीराम, तो क्या होगा? ठीक है, लेकिन जब ममता बनर्जी जो जय श्री राम से पीछे भागती है, नहीं बोलना चाहती है? तो नहीं 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 बोलना चाहते उसको, तो वो लोग बोल के तो वो लोग को तो बोल के गुस्सा दिलाता है। जो श्रीराम तो भगवान है, भगवान की जगह में रहेगा ना, वो पॉलिटिकल में क्यों आएगा? श्रीराम श्रीराम है ना, वो मेरा भी भगवान है, उसका भी भगवान है, हर हिंदू का भगवान होता है श्रीराम। लेकिन आप लोग को बुरा नहीं लगता? नहीं 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 नहीं, कि दीदी जो है अल्लाह अकबर बोलती हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह बोलती हैं, लेकिन जब जय श्री राम कोई बोल देता है तो दीदी भड़क जाती हैं। तो हम लोग का सीएम तो पूरा वेस्ट बंगाल लेके चलता है ना, वो जिस धर्म में जाएगा, जिस मंदिर में जाएगा, अगर मस्जिद में जाएगा तो उसको अल्लाह का बोलना पड़ेगा, मंदिर में जाएगा तो उसको भगवान का नाम लेना पड़ेगा, क्रिश्चियन में जाएगा तो उसको गॉड को नाम लेना पड़ेगा ना। सरकारी कार्यक्रम में ला इलाहा इल्लल्लाह और नमाज भी पढ़ लेती है। तो जो बादले का हो रहा है, वो विक्टोरिया में वो नेताजी का बर्थडे था ना, वहाँ बोलेगा तो वहाँ पॉलिटिकल तो नहीं है, वहाँ देश का चक्कर है ना। बोलपुर में जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था, बोलपुर बीरभूम जिले में पड़ता है, कुछ लोगों ने जय श्री राम के नारे लगा दिए, दीदी गाड़ी पर से उतर गई और उनको फिर वो गिरफ्तार किया। पुराना बात लेके कोई घुमा का फायदा नहीं होगा, जो हो गया हो गया, मगर हम लोग का यहाँ चाहिए ममता बनर्जी। हाँ। हट्टे हम बोलेंगे, जैसे पीएम के लिए पूरे देश को चाहिए नरेंद्र मोदी, तो हम लोग भी दिल से बोलेंगे, हम लोग का वेस्ट बंगाल में सीएम चाहिए तो ममता बनर्जी। आप क्या कहेंगे सर? आपको किसका सरकार यहाँ पे बनना चाहिए, क्या चाहते हैं? आप बोलिए। अच्छा, यहाँ पे अधिकतर लोग बोलना नहीं चाहते हैं, डर का माहौल है जी। आप बोलेंगे? बोलिए। एक ही झंडा है जी, यही लहराता है और दूसरा कोई झंडा नहीं है। अच्छा, ये बताइए, जब हम लोग देखते हैं कि जय श्री राम के नारे पे दीदी चिढ़ती हैं, हाँ, तो आप लोगों को कैसा लगता है? वो हम लोग को जो जिसके लिए बोल रहा है वो ठीक ही है, दीदी चिढ़ने का कारण दूसरा है। दीदी चिढ़ते हैं ना तो उसको ऐसे भी बोला जाता है, जैसे राम तो सही भी बोलता है, लेकिन वो अलग दूसरी किस्म बोला जाता है ना। जैसे राम किस टाइम बोला गया था, जो विक्टोरिया हाउस में जो मीटिंग चल रहा था उस टाइम, उस टाइम तो जय हिंद बोलना चाहिए, जैसे राम बोलना तो नहीं चाहिए। जय हिंद बोला। लोकसभा चुनाव हो रहा था बीरभूम जिले में, एक जगह बोलपुर, दीदी गाड़ी से जा रही थी, कुछ लोगों ने जय श्री राम का नारा लगा दिया। हाँ। दीदी गाड़ी से उतर के उन लोगों को भड़काया, डांटा और गिरफ्तार हुए 70 लोग। इसके बारे में हमको पता नहीं। मदन मित्रा का एक बयान आया है, टीएमसी के बड़े नेता हैं, उन्होंने बोला है कि भगवान परशुराम गौमांस खाते थे, माता सीता पकाती थी। इसके बारे में हमको पता नहीं है। कल्याण बनर्जी का बयान सुने होंगे आप लोग, कल्याण बनर्जी ने बोला, न्यूज देखती नहीं है। मान लीजिए हिंदू है तो आप लोग को बुरा नहीं लगता है? इस तरह का हिंदुओं के टारगेट करके दिया जा रहा है, मुसलमानों को खुश करने के लिए दिया जा रहा है, तो बुरा नहीं लगता? कौन कर रहा, दीदी कर रहा कि वो दीदी के नेता लोग कर रहे हैं? दीदी के जो बड़े बड़े नेता हैं, मंत्री हैं। हाँ? नहीं नहीं, ये गलत बात। हम लोग दीदी को देख के वोट देते हैं, सीएम को देख के। गलत बात, हम लोग सीएम को देख के वोट देते हैं, कोई दादा पादा किसी को देख के नहीं, ओनली सीएम को देख के। अगर हाँ, दीदी को जो चोट लगा दिल पे, जो लोग मिर्जापुर बेईमानी किया ना, वो लोग का दीदी को सुधारना पड़ेगा, मगर हम लोग दीदी को देख के वोट देंगे और किसी को देख के नहीं। तो क्या लग रहा है इस बार, मतलब टीएमसी का सरकार बन जाएगा? आराम से। कितना सीट देख रहे हैं? अरे 175 कंफर्म। हाँ कंफर्म 175। तो ये जो बड़े बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, टीएमसी का छोड़ के क्यों जा रहे हैं बीजेपी में? हम एक ही बात बोला जाएगा, वो लोग जा रहे हैं तो वो लोग को कोई पॉलिटिकल सिंबल की जगह नहीं है, वो लोग अगर चाहेगा निर्दल होकर खड़ा होगा तब हम लोग सोचेंगे वो लोग हेवीवेट पत्ती है।
फिर भी पता अगर निर्दो लोग खड़ा होगा वो लोग घूमा फिमा आके तो दूसरा जगह पे जा रहा है ना, तो क्या होगा? कोई जाएगा तो एक समंदर से एक पानी उठा लेगा तो समंदर क्या खत्म हो जाएगा? समंदर समंदर ही रहेगा ना, तो दीदी दीदी रहेगा। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे तो खाली हो रहा है, काफी लोग जा रहे हैं। ठीक है, जी वन मंत्री है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, जो जा रहा है जाने दो, जितना जाएगा उतना नया यंग जनरेशन आएगा, जितना यंग जनरेशन आएगा उतना काम ही अच्छा होगा। लोग कह रहे हैं कि जो टीएमसी में है पहले दीदी थी, अब अभिषेक बनर्जी उनके भतीजे हैं, तो यंग बाकी लोग को बढ़ने नहीं दे रहे। ये बात तो गलत है ना, तो हर परिवार का तो एक नहीं दो तीन करके तो मंत्री है, तो प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या अमित शाह राष्ट्र मंत्री, अमित शाह का बेटा का एमपी नहीं है क्या, विधायक भी नहीं है क्या? तो शुभेंदु अधिकारी है तो दीपेंद्र अधिकारी नहीं है, शिशिर अधिकारी नहीं है। अधिकारी तो यही छोड़ के गए ना कि हमको सेकंड नंबर पे थे, अब अभिषेक बनर्जी। ये लोग सब जा रहे हैं अपना धंधा, अपना जमा हुआ पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, इन्वेस्ट करके और ज़्यादा कमाना मांग रहा है लोग, और कुछ नहीं, मतलब दिल में जो दीदी है दीदी रहेगा। हम लोग अब बोलेंगे, आइए हम लोग और लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं, वो नहीं बोलेंगे, हम लोग और लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं, इनका क्या कहना है। काकी ये बताइए, जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है, क्या चाहती हैं आप लोग, किसका गवर्नमेंट आए इस बार? हम ही सब राजनीति कुछ जानी नहीं, दरकार था। मोदी ठीक लगते हैं कि दीदी ठीक लगती है? दीदी ठीक लगती है, दीदी ठीक लगती है, दीदी का सरकार बनना चाहिए दोबारा। हाँ चाहती हैं सब। आप लोग बोलेंगे कुछ? अब वोट देने का अभी एज नहीं हुआ हम लोगों का, लेकिन हवा माहौल किसका है? डोंट नो अबाउट पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स बारे में नहीं जानती। थोड़ा साइड दीजिए तो ये, और लोग आप बोलेंगे सर? सर ये जो विधानसभा चुनाव हो रहा है, हाँ हाँ बोलिए बोलिए, हाँ बताइए। जैसे द्वारा जनगणर उपकार हो तारा आशा भलो। थोड़ा हिंदी में बोल दीजिए इसको। हम लोग हिंदी नहीं समझते, क्या बोल रहे हैं? जिसके जिसके द्वारा से जनगण का भला होगा वही आना चाहिए। किसके आने से जनगण का भला लगता है? दीदी के आने से भला भी नहीं है कि मोदी के आने से भला होगा, क्या क्या कहना चाहते? जनगण डिसीजन लेता है। थोड़ा स्पष्ट बोल दीजिए। नहीं दीदी या मोदी? नो कमेंट्स। चलिए हम लोग और लोगों से जानने का प्रयास करते हैं, आप बोलेंगे सर? ये देखिए हम लोग इस समय कोलकाता में हैं, लेकिन लोग जो है बोलने से बचते हैं, जो दीदी के पक्ष में हैं वो तो स्पष्ट बोलते हैं, लेकिन जो अन्य हैं बोलने से डरते हैं। आप बोलेंगे सर? क्या चीज़ जो पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हो रहा है, क्या लग रहा है किसका सरकार इस बार बनना चाहिए? वो पता नहीं भैया, 50-50 है, 50-50 है, क्या पता किसका बनेगा, हम लोग तो उतना राजनीति के बारे में जानते नहीं है। चाहते किसको है? जो देश के लिए अच्छा, देश के लिए अच्छा, सभी अच्छे हैं, सभी अच्छे। विधानसभा चुनाव में किसका सरकार आप लोग चाहते हैं इस बार? क्या बोलूँ, मोदी या दीदी? मोदी या दीदी, एक बोल दीदी दीदी दीदी। ये और लोगों से बात करते हैं, कर दीजिए तो बैग लेके आते हैं।